उसके बारे में आप सब टेलीविजन के डिबेट को सुनते होंगे, अखबारों के सूचनाओं में पढ़ते होंगे और आपसी चर्चों में भी लोगों के जरिए सुनते होंगे कि किस तरह संविधान खतरे में। हर नागरिक चाहे वो समाज में कोई भी काम करता हो, एक स्कूल टीचर हो, मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, महिला हो, वकील हो, डॉक्टर हो, सब के साथ चिंता लगी पड़ी है। विशेष तौर पर पिछले कुछ दिनों में कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये नारा कैसे लगने लगा। इससे पहले इमरजेंसी जब आई थी तो उस समय के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स जो 1970s के डिबेट के थे, उन्होंने कहा कि ये आजादी पर हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है। इमरजेंसी देश में इंटरनल कॉजेस के लिए नहीं लाई जा सकती। और आपने देखा कि इमरजेंसी के बाद में मिसेस गांधी को और कांग्रेस को किस तरह से सत्ता से हटा दिया गया था। इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये आज का जो दौर है 2018 और हमारी तरुण पीढ़ी, हमारे छात्र, हमारी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर आज का जो दौर है ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी मानी गई है। और इमरजेंसी के साथ अगर आप इसे कंपेयर करें तो जो अवस्था उन 70s के दशक में थी उससे बदतर अवस्था है। और वो क्यों ऐसा कहा जाता है, मैं उसको संक्षेप में बताना चाहूंगा। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसका मतलब क्या हुआ? संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। हमने जो मुहिम शुरू की 26 जनवरी में, हमारे नेता पवार साहब ने मुंबई से आवाज उठाई जिस पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दल और लगभग सभी सामाजिक दल, लगभग सभी इंटेलेक्चुअल ग्रुप ने सपोर्ट किया था, वो हम सब ने देखा है। और वही सिलसिले को, उसकी अगली कड़ी को हम आज यहाँ कर रहे हैं। देखिए संविधान वस्तु क्या है, पहले हम ये समझें कि संविधान की महत्वता क्या है। संविधान एक ऐसा स्तंभ है जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है। राकेश ये चले गए, संविधान चमकाएगा लोकतंत्र ये जाएगा, टूट जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, मोनार्की आ सकती है, राज चलेगा हुकूमत राजाओं की। हमने जो आजादी प्राप्त की, जिसे हमने पिछले 70 साल तक के पाल पोस के एक अच्छे से पेड़ के रूप में भारत को खड़ा किया, सारे विश्व में गर्व से हम कहते हैं कि इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन। आज हमारा सर गर्व से विश्व में उठा है कि हमारा लोकतंत्र जो है वो विश्व में अनमोल लोकतंत्र है, सभी को साथ लेके चलने वाला। 70 साल के हमारे लोगों की मेहनतें हैं, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पीढ़ी, उसके बाद लोकतंत्र को खड़ा करने वाली पीढ़ी, उसके बाद लोकतंत्र को संभालने और बढ़ाने वाली पीढ़ी, और उसके बाद ये चौथी पांचवी पीढ़ी जिसपे हम और आप लोकतंत्र के गर्व को खा रहे हैं। आजादी में जो संविधान हमें मिला है उसके तहत हमें जो अधिकार दिए गए हैं वो मूल अधिकारियों का अर्थ क्या है। किसी बड़े थिंकर ने यूएस में एक शब्द अंग्रेजी में एक वाक्य में कहा, लिबर्टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी lies in the hearts of men and women. एक-एक लफ्ज सुनने और ध्यान देने जैसा। Liberty lies in the hearts of men and women. When it dies there, no constitution, no law, no court can save it. No constitution, no law, no court can do such to anything. तो ये हमारे दिलों में एक आजादी बसती है, लिबर्टी बसती है। संविधान हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। संविधान एक ऐसा कानून है जो देश के हजारों कानून के ऊपर है। कोई भी कानून, नोटिफिकेशन, रेजोल्यूशन, लॉ, ऑर्डिनेंस, कोई भी इस तरह का एक डिक्टेट किया हुआ किसी नेता का आदेश, जब तक संविधान से अगर वो टकरा जाता है तो उसे मुअत्तल कर दिया जाता है। संविधान सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ, एंड देयरफॉर protecting constitution is protecting all the laws. Remember this, कि अगर हम संविधान की सुरक्षा करते हैं तो हमारे देश के तमाम कानून की हम सुरक्षा करते हैं। क्या हम नाकानूनियत की हालत चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि जंगल के राज में दौड़ जाए? क्या हम चाहते हैं कि बलवान का हक चले और कमजोर पिसता रहे?
हम हरगिज नहीं चाहते। हमें संविधान को बचाना हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, हर हरेक का कर्तव्य, छोटे से छोटे व्यक्ति का कर्तव्य, हर महिला का कर्तव्य। अब वो संविधान खतरे में है ये कौन कह रहा है? हम कोई रास्ते के चलते हुए साधारण बात करने वाले भारतीय नागरिक की राय नहीं है कि संविधान खतरे में। 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश छोड़ दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही है, भारत के इतिहास में कभी ऐसी दुर्दशा। उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमें कुछ करने की आवश्यकता है। जब हमने उनके इन बयान की जांच की, आपस में वकीलों ने चर्चा की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या देश के बाकी तभी हाईकोर्ट हो, वकीलों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई ये 4 न्यायाधीश इस तरह क्यों कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है या लोकतंत्र खतरे में है? इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी बात होगी। इसके पीछे क्या है मैं ये भी रिकॉर्ड से बता रहा हूँ, मैं अपना ख्याल नहीं पेश करना चाहता। संविधान क्यों खतरे में है? सरकार का हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट में बढ़ गया है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के खुद न्यायाधीश कहते हैं। 12 जनवरी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बेचैनी लोगों में हुई, वो गरीब लोग जो अगर मुकदमे हार जाते हैं निचली कोर्टों में, उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसी वकील को खड़ा करें या दिल्ली तक का टिकट खरीद कर जाए और सुप्रीम कोर्ट से न्याय लें। जब बिल्कुल पानी सर से उठ जाता है तो केरला में या कर्नाटका में या साउथ में कहीं बसने वाला एक गरीब किसान या गरीब भारतीय नागरिक सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर सोचता है तो उसे अपनी जमीन बेचकर सुप्रीम कोर्ट में आना होता है, उसे अपनी पत्नी के, अपनी माँ के दागिने रखकर अपनी कानून के अधिकार की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। अगर उसे ये मालूम हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट में पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, जैसा कि 12 जनवरी को इन 4 जजेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और ये 4 जजेस कौन है? कभी हमने इस पे गौर किया ये 4 जजेस कौन है? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पूरा पूरा उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को दिया है। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी हुए हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता के हिसाब से 2, 3, 4, 5 नंबर पर आए। कोई मामूली साधारण व्यक्ति नहीं है वो। न किसी राजनीतिक पक्ष से तो प्रेम है, न तो किसी राजनीतिक पक्ष से बैर है। उन्होंने परिस्थिति का जो जायजा लिया, उसके बाद मजबूर होकर एथिकल कोड को तोड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो बर्दाश्त के बाहर। एक जज ने उसमें से करवाया कि मैं अपने सोल से, अपने जमीन से, अपनी आत्मा से लड़ रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ? और मैं आपको एक बात और बताऊँ, इतिहास में रिकॉर्ड में देखिएगा, 12 जनवरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 22 फरवरी को 6 हफ्ते के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानियुक्त होते हैं, जस्टिस अमित रॉय। 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के लॉन में सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रॉय साहब क्या कहते हैं, मैं उनके अल्फाज दोहराता हूँ आपके साथ, छोटे से 2 जुमले। एक जुमला उन्होंने कहा अपने साथियों से, उन कलीग्स को जिनको वो फेयरवेल कह के अपने टर्म खत्म करके जा रहे हैं, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट इज टुडे वर्किंग विद अ फ्रैक्चर्ड फेस। कितनी दुख की बात है। दूसरा जुमला जो उन्होंने कहा वो इससे ज्यादा खतरनाक है, और वो लोकतंत्र और संविधान को चाहने वाले लोगों को हिला के जगाता है, चाट जाओ। वो दूसरा जुमला उन्होंने ये कहा कि एक्स्ट्रा लीगल एलिमेंट्स, इशारा सरकार की तरफ है, एक्स्ट्रा लीगल एलिमेंट्स आर ट्राइंग टू कैप्चर सुप्रीम कोर्ट एंड वी शैल सून बिकम एक्सटिंक्ट। हम बेमानी हो जाएंगे अगर हम इसी तरह से चलते रहे, और हमने बाहरी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के कार्य में, न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया, तो हम जजेस जो है वो सब बेमानी हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है? इमरजेंसी में ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। अब जानिए हम किस तरह संविधान को बचाएं। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने संविधान पर जो हमले किए, संविधान में
पूरा संविधान अगर आप उठा के देखें, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कहता है जिंदा रहने का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, no person shall be deprived of his right and liberty save and except by a due process of law which should be fair. अब उस पर हमला किया है इस सरकार ने, पिछले चार वर्षों में हमने देखा है, हमारी बहनें, हमारी साथी महिला नेताओं ने ये बात कह चुकी है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कि माताएं या बहनें घर में बैठी सोचती है कि पता नहीं मेरी बच्ची स्कूल से वापस महफूज आ जाएगी, सुरक्षित घर पहुंचेगी, क्या हो रहा है देश, कितने वारदात जो गिनवाएं, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो एक घंटा कम से कम मुझे वारदातें ही बताना पड़ेगा। अल्पसंख्यक समाज गैर महफूज पड़ता है, मुसलमानों को हटाओ, जरूरत नहीं है, क्रिश्चियंस के साथ अत्याचार होता है, हो गरीबों के साथ अत्याचार होता है, हो तो संविधान में दी हुए वो एश्योरेंस की इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल, सबके अधिकार बराबर होंगे, उसका क्या, संविधान की कोई अहमियत नहीं। तो हमें संविधान बचाओ की जो मिशन है इसमें लड़ाई है। राजनीतिक परिस्थिति आज ये है कि कुछ महीनों बाद हमें एक बार पूरे देश को मौका मिलने जा रहा है कि ऐसे लोग जो लोकतंत्र के दुश्मन हैं, ऐसे लोग जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनको अपनी जगह से हटा के बाहर फेंकना है और एक ऐसी सरकार को लाना है जो सेक्युलर हो, जो सबके अधिकारों को माने, जो महिलाओं को अपना रखा, और मुझे विश्वास है कि उसके लिए हमारे नेता शरद कुमार साहब एक बहुत अहम किरदार है। मैंने देखा है, महसूस किया कि देश के भारतीय जनता पार्टी से बाहर सत्ता में जो लोग बैठ कर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे बाहर जितने भी बड़े नेता हैं, उन सब की निगाहें हमारे नेता पर टिकी हुई, हमारे नेता से बहुत सारी उम्मीद है कि 2019 में भारत के भविष्य को बचाने या उज्जवल करने के लिए हमारा नेता बहुत बड़ा रोल कर सकता है, मगर वो तब कर पाएंगे जब हम सब नीचे से उनके हाथों में मजबूत करें। तो आइए आज हम ये वचन लें, कुछ महीने हैं, 6 महीने 8 महीने, कि हम सब मैदान में जाकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर, सारे देश से महिलाएं नेता यहाँ पर आई हुई जाए, महिलाओं के अधिकार के लिए, गरीब और वंचित के अधिकार के लिए, कमजोर और दलितों के अधिकार के लिए, अल्पसंख्यक के अधिकार के लिए, आइए हम भारतीय जनता पार्टी की इस नाकारा सरकार को किस तरह निकाल के फेंक सकते हैं उस कोशिश में लग जाए, राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस को मजबूत करें, हमारे नेता के हाथ मजबूत करें, अगर हम ये करते हैं तो हम संविधान को बचाने में सफल हो सकेंगे। जय हिंद।